शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। तथागत के अनुयायियों ने मुझे कमेंट किया कि आप तो बाइबिल से बताते नहीं हैं और तथागत तो बाइबिल का रेफरेंस दिखाता है, बाइबिल भी दिखाता है, तो मैं उनकी तसल्ली के लिए बाइबिल दिखा देता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी बाइबिल से ही बताता हूँ। आप इस बाइबिल को जो तथागत दिखाता है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप से भी आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो कि आपको हिंदी बाइबिल की पुस्तक से पढ़ने को मिलेगा। हो सकता है कि कहीं ऐप में या पुस्तक में कुछ शब्दों का अलग चयन किया गया हो तर्जुमे या अनुवाद के रूप में, लेकिन सबका मकसद और दर्शाने का तरीका भी एक ही है। तथागत अपनी दूसरी वीडियो में जो नियोग के ऊपर उन्होंने बनाई है, उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो मैं आपको तथागत के शब्दों में ही दिखाऊंगा कि तथागत अपने आप में कितने ज्यादा कंफ्यूज हैं। और तथागत के जो शागिर्द हैं, जब उसकी वीडियो को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि तथागत बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है, बल्कि आज मैं उनके ही शब्दों से, तथागत के ही शब्दों से दिखाऊंगा कि तथागत अपने आप में ही कितने ज्यादा कंफ्यूज हैं। तथागत जब स्वामी दयानंद की कमेंट्री बता रहे हैं तो वो उसका तात्पर्य ये बताते हैं कि संतानहीन पुरुष नियोग द्वारा बच्चा उत्पन्न कर सकता है, और आप इसमें सुनिए वो किस प्रकार से बोल रहे हैं। नियोग उसको कहते हैं जिसमें विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, वह पुरुष ये दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष व किसी पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाए या नपुंसक बंध्या दोष पड़ जाए और उनकी युवा अवस्था हो तथा संतानोपत्ति की इच्छा हो, तो वह उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य चाहिए। साथ ही इसी में आगे लिखते हैं कि वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद। और आगे ही आप सुनते हैं कि तथागत बताते हैं कि वेद के अनुसार एक पुरुष या फिर स्त्री विवाह नहीं कर सकती है, दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। आप सुने इसको। वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही पत्नी और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं। यानी ये साफ साफ बोल देते हैं कि पुनर्विवाह नहीं करना है, भले ही बच्चा उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे से संभोग कर लो, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। यहाँ पर तथागत अब्राहम के हाजरा से संतान उत्पत्ति को वेद के नियोग से जोड़ देता है, लेकिन यह पढ़ते हुए भी अनपढ़ है, क्योंकि मैं इसकी ही जुबानी आपको सुनाऊंगा जिसमें हाजरा को सारा ने अब्राहम की पत्नी होने के लिए बोला था, क्योंकि वह बांझ थी, वह संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, यानी मिस्र देश में थे तो वहाँ की वह दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीस की पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। यहाँ पर तथागत अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है, वह वेद के नियोग से जन्मे बच्चे को इस्माइल से जोड़ रहा है, जबकि मैंने आपको इसकी ही जुबानी सुनाया कि सारा ने ये बोला था कि हाजरा को अपनी पत्नी बना, ना कि उसके ऊपर अपना जबर या जबरदस्ती कर और उससे संतान उत्पन्न कर। वेद का कॉन्सेप्ट अलग है और बाइबल का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर अब्राहम ने हाजरा को अपनी पत्नी बनाया था, ना कि उसके साथ में कोई जबरदस्ती की थी। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार से तथागत बातों को अलग तरह से पेश करता है, और तथागत के शिष्य जो हैं बिना समझे और बिना पढ़े ही इन बातों को जज भी कर लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि बाइबल का ईश्वर कूर है या फिर जो तथागत की वाणी है वो परम सत्य है। तथागत और उसकी टीम को मैं ये बता देना चाहता हूँ, उसके अनुयायियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब सारा ने परमिशन दी है अब्राहम को, तो उन्होंने दूसरी पत्नी रखने का विचार किया या फिर उन्होंने रखा भी। हाजरा को उन्होंने दूसरी पत्नी बनाया था, और तथागत के अनुसार और वेदास या वेद के अनुसार एक पुरुष या फिर
दूसरी स्त्री जो है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, ऐसा तथागत ने ही कहा है। तथागत ने ये बताया है जो वेद का भाष्य है महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार, उसके अनुसार ही तथागत ने बताया है कि कोई भी पुरुष या स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने नियोग नहीं बल्कि दूसरी पत्नी रखी थी। और मैं तथागत और उसके अनुयायियों को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम बाइबल पढ़ते हो, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो, या फिर स्क्रिप्ट के ऊपर यकीन करने से ज्यादा थोड़ा सा अध्ययन भी करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अब्राहम ने तीसरी शादी भी करी थी और उस औरत का नाम कतूरा था और उनसे भी संतान पैदा हुई थी और वो कोई नियोग नहीं था। जबकि वेदास के अनुसार दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब्राहमिक कल्चर में या अब्राहमिक फेथ में एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। लेकिन तथागत को इसके बाद में बड़ा दर्द होता है जब सारा हाजरा को वहां से निकल जाने को कहती है, लेकिन तथागत को वो दर्द नहीं होता है जब हाजरा सारा के बांझपन का उपहास या मजाक उड़ाती है। अगर आप ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को मानते हैं, तो आपको दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। नाइंसाफी अगर यहाँ से हुई थी तो वहां से भी हुई थी। इसके बाद में तथागत सारा के ऊपर और अब्राहम के ऊपर एक तरह से आरोप भी लगाते हैं, और यहाँ तक कि तथागत अपनी बनाई गई कथा के अनुसार हाजरा के दिल की बात भी बिना जाने ही बोल देते हैं। वो क्या बोलते हैं सुने आप। यानी कि यहाँ पे दो बातें तो क्लियर है, एक तो वह दासी का मन नहीं था, लेकिन अब्राहम और सारा का मन था कि उसके साथ नियोग करके पुत्र उत्पन्न किया जाए, और दूसरी बात कि जब आप बिना किसी की मर्जी के करते हैं तो वह बलात्कार कहलाता है। तो जब वह तुच्छ दृष्टि से देखने लगी और बाद में वह भाग भी गई, इसका जिक्र इसी 16 वर्ष के तथागत अपनी बात को इस प्रकार से पेश करते हैं जैसे कि हाजरा के वक्त में ये वहां पर खड़े हुए थे। जब अब्राहम ने हाजरा के साथ में जबरदस्ती की थी तो अंतर्यामी तथागत हाजरा के दिल के हाल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। तथागत अपनी बातों को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि तथागत उस टेंट के अंदर थे जहां पर अब्राहम और हाजरा बैठे होते थे या फिर अपने रिश्ते को बनाते थे। तथागत की इन बातों से ही अंदाजा होता है कि तथागत गपोड़ कथा वाचक है, ना इसके पास में कोई बाइबल की जानकारी है, बल्कि कोई एक तथागत स्क्रिप्ट को लिख देता है और ये तथागत आ करके उसको बोल देता है। तथागत हाजरा के दिल की बात को जान गया कि हाजरा के साथ में जबरदस्ती हुई। हाजरा का दिल नहीं था, उसका मन नहीं था, लेकिन अंतर्यामी ने जो बताया है उसके ऊपर तथागत के अनुयायी विश्वास भी कर लेते हैं कि हाजरा के साथ में जबरदस्ती हो गई और हाजरा के ऊपर कब्जा कर लिया अब्राहम ने और उसकी संतान को उनसे छीन लिया। जबकि इसी वचन में हम पढ़ते हैं कि इस्माइल अब्राहम के साथ में था, वो कोई हराम की औलाद नहीं था और ना वो कोई नियोग की औलाद था, बल्कि इस्माइल भी उनका एक वैलिड पुत्र था, उनका बेटा था जिसको अब्राहम ने अपनी संपत्ति और अपनी जागीर में से हिस्सा भी दिया था। और यहाँ तक कि जब अब्राहम का खतना हुआ था तो उस वक्त में इस्माइल का भी खतना हुआ था। इसका मतलब कि इस्माइल उनके साथ में होता था, ना कि उन्होंने इस्माइल को त्याग दिया था। तो कपोल कल्पित गपोड़ बाज तथागत अपनी बातों को और भी आगे बढ़ाता है। उसको भी मैं रिफ्यूटेड करूंगा, उसकी मैं भर्सना और उसको मैं किस प्रकार से एक्सपोज करूंगा, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कपोड़ वाचक किस प्रकार से अपनी ही बातों में तथ्यहीन ठहरता है।